जुर्म किसी के खून में नहीं होता, जज्बात, पैसा और परिस्थितियां जुर्म की सोच पैदा करती हैं, और इसी सोच के चलते अपनी दुनिया में आजाद आदमी जेल की जिंदगी शुरू करता है। उस जेल की जिंदगी जिसके बारे में आम आदमी की धारणा है कि यातनाओं का कारागार, लेकिन मुजरिम को भी सुधरने का हक है। इसीलिए कारागार को संशोधनागार का नाम देकर परिवर्तन की पहल की गई है, ताकि जुर्म की सोच को बदला जा सके। हेलो, हालत से मजबूर होकर या किसी क्षणिक भूल के कारण आप लोग जो यहाँ आए हैं वे सब यहाँ के निवासी हैं, और यहाँ रहने के दौरान आप हमारी जिम्मेदारी पर रहेंगे। जैसे कि ये संशोधनागार है, यहाँ रहने के दौरान आप यहाँ के नियम कानून पर चलें, यही उचित है। संशोधनागार उस स्कूल की तरह है जो आपके भटके जीवन को नई दिशा देता है। यहाँ प्रयत्न किया जाता है कि आपके भटके जीवन को सुधारा जा सके, ताकि आप अपने परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्यों को समझें। उसके लिए संविधान के द्वारा नियम कानून निर्धारित किए गए हैं। यहाँ के नियम कानून आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की संशोधनात्मक यात्रा है। संशोधनागार में प्रवेश के साथ ही कैदियों को अपने नियम अधिकारों को जान लेना चाहिए, ताकि आपका समय और जीवन बेहतर गुजर सके। पहली रात हर कैदी को आमदनी वार्ड में गुजारनी होती है। रहने सोने की जगह की साफ सफाई आपकी अपनी जिम्मेदारी है। नाम है चंदन मेरा। पहले जब जेल में आया था तो हम बहुत छोटे थे, 15 साल की थे। जब आया जब जेल में हमको पहले घुसाया, जब जेल में हमको पहले घुसाया तब हमको इतना खराब लगा कि हम जुलूम में जेल में आ गए। जब कुछ दिन जाते 3 महीना 4 महीना उस टाइम हमको रात में नींद भी नहीं आता है, तो हम रात में रोते, बहुत रोते थे उस टाइम। उस टाइम 2-3 आदमी हमको बोला कि इतना ऐसे मत लो। अगली सुबह संशोधनागार प्रशासन आपको उचित वार्ड में भेजता है, जहां आपको बाकी समय व्यतीत करना है। कैदी को जुर्म और सजा, यह बताया जाना उनके महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। साथ ही जेल प्रशासन उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें यहां और क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कानून का उपयोग करने, कानूनी सेवाओं और सहायता पाने का अधिकार, शोषण के खिलाफ संरक्षण का अधिकार, अस्वस्थ या अप्रिय वातावरण में प्रस्तुति के खिलाफ संरक्षण का अधिकार, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर अनुचित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आचरण के नियम जानने का अधिकार, अनाधिकृत श्रम के खिलाफ अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार। और अंडर ट्रायल कैदियों को सूचित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनकी अगली पेशी कब होनी है, पेशी का पूरा ब्यौरा रखना और कोर्ट तक पहुंचाना प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता है।
संशोधनागार में आए हर मुजरिम को केस टेबल की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यहाँ आपको केस, जुर्म की धारा और कोर्ट की जानकारी दी जाती है और केस के हिसाब से वार्ड नंबर भी दिया जाता है। लेकिन न्यूली एडमिटेड प्रिजनर्स जो लोग लास्ट डे या लास्ट नाइट यहाँ आए हैं, उन्हें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है, उनका केस के अनुसार किस वार्ड में रहेंगे वो तय किया जाता है। वार्ड का वितरण आपके जुर्म, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति और लिंग के आधार पर होता है। प्रत्येक कैदी को कारागार में रखने से पहले उसकी पूरी तरह मेडिकल जांच की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका समुचित उपचार कराए। इसलिए हर कैदी के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टरों को ठीक ठीक जानकारी दें, ताकि उनका बेहतर इलाज के साथ साथ उनकी बीमारी और इलाज का ठीक ठीक ब्यौरा भी संभाल कर रखा जा सके, ताकि भविष्य में कोई गंभीर समस्या ना खड़ी हो। यह भी आवश्यक है कि हर कैदी अपना हिस्ट्री टिकट संभाल कर रखे, ताकि जेल से निकलते वक्त किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उनके अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। कैदी के समुचित इलाज के लिए यहाँ अस्पताल और डिस्पेंसरी है, और अगर बीमारी इतनी गंभीर है कि यहाँ ठीक नहीं हो सकती तो उन्हें नियमतः किसी दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अगर कैदी नशीले पदार्थों के सेवन का आदी है तो उनका ना केवल मुफ्त उपचार कराया जाता है, 17 years, और ऐसे कैदियों के लिए अलग वार्ड है। এরা এদের কোনো সুখ দুঃখ দুর্দশা কষ্ট এ দেখাশোনা করবে, কে খেতে পাচ্ছে খেতে পাচ্ছে না, কার চিকিৎসা দরকার। যাহা দোবারা সামান্য জীবন বিতানে কে লায়ক বানানে মে উনকি পুরি মদদ কি জাতি হে। অর জো দিমাগি রূপ সে বিমার হে উনকে লিয়ে ভি এক অলগ ওয়ার্ড হে, যাহা পর এক সাইকিয়াট্রিস্ট কি দেখরেখ মে উনে রাখা জাতা হে। कैदी का मुख्य अधिकार है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने वकील से मिल और सलाह मशवरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए मुलाकात का एक समय और सीमा निर्धारित होती है। और समय भी तय होता है कि एक कैदी कितनी देर तक किसी से मुलाकात कर सकता है। मुलाकात का समय 15 मिनट तक हो सकता है। मुलाकात की यह सुविधा हफ्ते में एक बार दी जाती है। संशोधनागार में आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर मौजूद होते हैं, जो विभिन्न प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। इसके लिए पंचायत अपनी भूमिका बखूबी निभाती है।
कैदी को यदि कोई शिकायत जेल प्रशासन या वहां की व्यवस्था के खिलाफ हो तो उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने की पूरी छूट और सुविधा होती है। मेरा तो जेल सर्विस हो गया पूरा, ठीक है, तो जिलर बाबू को बोल करके मेरा तो कैंपे भरवा दिए, ठीक है, हाईकोर्ट दिया था, हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट बोला है कि बोल हो जाएगा, ठीक है ना, कागज पत्र मेरा नहीं मिल रहा। पहले तुम एक तो काम करो, वेलफेयर में पिटीशन करना होगा, वेलफेयर के पिटीशन करके उसके बाद हम साहब के पास पास कर लेगा, साहब के पास खड़ा होकर बात कर लेगा, कोई बात नहीं है, तुमको कैसे तुम्हारा फाइन भरा जाएगा, रिलीज कैसे डेट आएगा। और पंचायत का काम तो पूरा जेल में घूमना है, देखना है क्या क्या कैदी भाई का क्या मुसीबत है, वो सब देखना है, हम लोग कई काम है उसका, कुछ साहब के पास खड़ा नहीं हो सकता, हम लोग लेके खड़ा हो नहीं सकेगा, यही बात है। और खाना उना बस देखना सभी, वह घर का आदमी नहीं आ रहा है उससे बातचीत करा देना, यही से पंचायत का काम है। संशोधनागार की दिनचर्या में कैदियों की गणना दिन में 6 बार होती है। 25 प्रत्येक कैदी से अपेक्षा रखी जाती है कि वे गणना में प्रशासन का सहयोग करें। प्रत्येक कैदी को जेल प्रशासन की ओर से बुनियादी सुविधा मुहैया करवाई जाती है, जैसे कंबल, बिस्तर इत्यादि। कैदी अपनी जरूरत के हिसाब से नियम के तहत कुछ रोजमर्रा की वस्तुएं बाहर से मंगवा सकते हैं, जैसे कि सूखा नाश्ता, नमकीन बिस्किट इत्यादि, मिठाई जैसे कि रसगुल्ला, हलवा इत्यादि। बाहर से मंगवाए जाने वाली वस्तुओं की विस्तृत जानकारी कैदी वेलफेयर ऑफिसर से ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा अवैध सामान जो नियमों के खिलाफ है कारागार में मान्य नहीं है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थ, जहर, विस्फोटक, मोबाइल फोन, सिम कार्ड या पेजर, तेज धार वाली वस्तुएं जैसे रेजर, ब्लेड, कांच की बोतल इत्यादि। यह हर कैदी का दायित्व बनता है कि वह ना केवल अपनी शारीरिक स्वच्छता का ख्याल रखे बल्कि अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा बनाकर रखे। उन्हें दाढ़ी बनाने और बाल काटने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस तरह के तमाम काम कैदियों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। वार्डन की निगरानी में प्रशासन द्वारा दी गई खाद्य सामग्री से तीनों वक्त का खाना बनाना और अपने वार्ड में पहुंचाना। मतलब हमारे डाइट का एक तरीका है, वार्ड वार्ड काउंटिंग रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड आएगा उसी बूथ पर, जितने लोग होंगे उसी आधार पर उनको खाना दिया जाएगा। कैदियों को जेल के दूसरे काम जैसे मरम्मत, पौधों का रख रखाव, साफ सफाई के साथ उनकी काबिलियत के हिसाब से कैदियों में जिसकी जिस तरह की काबिलियत होती है वैसा ही काम का जिम्मा उनको सौंप दिया जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इन कामों के लिए जेल में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। छतरी बनाना यहाँ का एक खास प्रशिक्षण है।
करेक्शनल होम स्टाफ की यूनिफॉर्म सिलना और तैयार करना और इस तरह के कई सारे उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, जिसके लिए अलग से प्रशिक्षक भी यहाँ मुहैया करवाए जाते हैं। काम के बदले मजदूरी तय की गई है। बनाया गया सामान, ब्रेड, पाव आदि बाहर भी सप्लाई किया जाता है और प्राप्त राशि को काम करने वाले कैदियों के खाते में जमा करा दिया जाता है। वेजेस दिया जाता है। उस वेजेस के आधे पैसे से अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीद सकता है, बाकी आधा पैसा उनके खाते में जमा रखा जाता है। उनके रिलीज के समय उन्हें दे दिया जाता है। यही नहीं, अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए हर प्रकार की जरूरी किताबों के साथ साथ पत्र पत्रिकाएं भी मुहैया होती हैं। अगर कोई प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहते हैं तो उसे रोजाना भी मंगाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य या व्यावसायिक डिग्री भी प्राप्त की जा सकती है। हमारे यहाँ पर इस साल 13 इनमेट्स माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन दे रहा है, तो एक इनमेट्स पिछले साल MSW किया, उससे पहले वही इनमेट्स MPhil किया, MA किया, हमारे यहाँ से ही किया। अगर वो डिग्री एक मिल जाए उनको, वो चाहती है, इंटरेस्टेड है लिखा पढ़ाई के लिए, लिटरेसी प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं। जो जो इनमेट्स इलिटरेट है, एकदम ही नहीं पढ़ लिख सकता, उनको एक सुपरवाइज करना वेलफेयर ऑफिसर का काम है। कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन और खेल के विभिन्न साधन मौजूद हैं, जिसमें नाटक मंडली है। यहाँ की नाटक मंडली जेल से बाहर जाकर भी परफॉर्म करती है। जो लोग कल्चरल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनको लेकर एक नाटक करना चाहूँगा। इससे पहले एक नाटक किया 2004 में, परिवर्तन नाम का। इस बार कर रहा हूँ वो है अचेना पृथ्वी। धार्मिक स्वतंत्रता का आपका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संशोधनागार में मंदिर और मस्जिद है। गवर्नमेंट इसको बनाया मुस्लिम प्रिजनर के लिए, और जुम्मा के दिन वो लोग सब इकट्ठा होकर इधर में ही नमाज पढ़ता है और रोजा भी पालन करता है इधर 30 दिन हर एक साल। उसके लिए उसका अलग डाइट मिलता है, रोजा का माफी। महिला कैदियों के लिए अलग से वार्ड है, जहां अनधिकृत पुरुषों का जाना वर्जित है। महिला वार्ड की देखरेख का काम महिला वार्ड भी करती है। मोटामुटी महिला कैदियों के लिए संशोधनागार में महिला डॉक्टर होती है। गर्भवती महिला कैदियों के लिए विशेष हॉस्पिटल सुविधा है। गर्भवती माताएं जो होती हैं, उन्हें हम नियमित आउटडोर चेकअप के लिए भेजते हैं। यहाँ पे हमें खून पेशाब जो चाहिए उसका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो डिलीवरी का समय होता है, वहीं हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है। फिर जो बच्चा डिलीवरी होता है, उस बच्चे को टीका लगाया जाता है। इन्हीं सजा याफ्ता कैदियों में से ही कई पढ़े लिखे कैदी दूसरे कैदियों को पढ़ाते हैं और दूसरे कई कैदियों को दूसरे ऑफिशियल कामों का जिम्मा दिया जाता है। अपनी मर्जी से काम कर सके, अगर वो काम सीखने को इच्छुक हो तो पिटीशन दे, उस पिटीशन के आधार पर उसे काम दिया जाता है। इसके लिए एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और काम का तरीका दो है। एक जनरल डिपार्टमेंट,
जो ऑफिशियल काम करता है, जो बेसिकली ऑफिसर साइडर है। বন্দি জীবনে কারাগার থেকে বাবা মাকে দেখে কি হবে বন্দি জীবনে। और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस कारागार में संगीन जुर्म की सजा काट रहे हैं, पर उन्होंने जिंदगी ना हारने का बखूबी सबूत दिया है। अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से संशोधनागार को बेहतर बनाने में योगदान देते हुए दूसरे कैदियों का मार्गदर्शन किया। संशोधनागार के जीवन में आपका समय बेकार ना लगे, उसके लिए प्रशासन आप लोगों के लिए एक व्यवहारिक प्रशिक्षण वो मनोरंजन की व्यवस्था की है। यहाँ के नियम कानून के बारे में हमारे अधिकारी आपको पहले से जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अधिकारी और सदस्यों से पूर्ण सहयोग करेंगे। अधिकारी वृंद एवं स्टाफेर संगे पूर्ण सहयोगिता। हरेक कैदी का यह फर्ज बनता है कि वह कैद का समय नैतिकता और अनुशासन से व्यतीत करे। संशोधनागार अधिकारियों के नियमों और आदेशों का पालन करें। संशोधनागार में उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि पढ़ने लिखने की, काम सीखने की आदि का बखूबी उपयोग करें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचें। अपने साथी कैदियों की मदद करें। संशोधनागार में बिताया समय अच्छे कामों के लिए उपयोग करें। जेल में बिताए जाने वाले समय को जीवन का एक महत्वपूर्ण समय समझकर गुजारना न केवल कैदियों के स्वयं अपने हित में है, बल्कि इससे जेल प्रशासन को भी व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए आज जेल को केवल एक कारागार या कैदी की जिंदगी गुजारने वाला स्थान नहीं समझा जाता, बल्कि उसे एक सुधार गृह के तौर पर भी देखा जाता है, जहां कैदी चाहे तो अपने जीवन में काफी सुधार कर सकते हैं, ताकि जब वह यहां से बाहर जाएं, तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपना जीवन फिर से गुजार सकें। इससे न केवल उनकी समाज में इज्जत बढ़ती है, बल्कि देश का भी मान ऊंचा होता है। एक नादान से भूल से घटना इंसान से हो जाता है, किसी से चोरी हो जाता है, किसी से मर्डर हो जाता है, किसी से डेगेटी हो जाता है, लेकिन इंसान जब जेल में आए तो यहाँ अच्छा माहौल को चुने, अपने आप को सुधारे, नशा से बचे। इसलिए अपना सोच आदमी चेंज करेगा तो हर कुछ चेंज हो जाएगा। हमेशा एक कैदी को इस बात के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि उसके जीवन में फिर कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे फिर से उसे अपने परिवार और अजीज रिश्तेदारों से बिछड़कर यहाँ आना पड़े और कैद की जिंदगी गुजारने के लिए विवश होना पड़े।